आपका ये गूगल एनालिटिक्स निकाला है यूट्यूब का, चैनल एनालिटिक्स, तो इसमें बता रहा है कि आपके जो व्यूज हैं वो 8,000 हो गए, 8,000, और वॉच टाइम आपका 34 घंटे, और सब्सक्राइबर 40 है। ये मतलब ओवरऑल आपका जो है, ये देखिए आप लाइफ टाइम का मतलब ओवरऑल रिकॉर्ड है, 2016 से 9 मार्च 2016 से 29 जून 2023, मतलब 2016 में आपका चैनल बना था और 2023 चल रहा है, इस बीच में आपका 8,000 व्यूज हैं, 34 घंटे वॉच टाइम है, क्या करें बताओ। इतने सालों से वीडियो बना रहा हूँ साला, सिर्फ 8,000 व्यूज, 34 घंटे, 40 सब्सक्राइबर, क्या घंटा मेरा चैनल मोनेटाइज होगा? 8 साल हो गए, 8 साल में आपका रिकॉर्ड है, 8 साल में मैं बता दूं, 8 साल में आपके व्यूज है 8,000। 6 साल हुए मेरे भाई, नहीं 2016 से गिनो ना, तो 2016 से 2023 7 साल ही तो हुए। हाँ मतलब 8वां मान लो, 8वां करवा दे 2024, चलो ठीक है 7 मान लिए, 7 में भी तो आपके ये देखो ना 8,000 व्यूज है, 34 आपके घंटे है, और ये 34 घंटे में से एक एक घंटे तो आपके खुद के होंगे। 24 घंटे तो मेरे ऐसे ही निकल जाते साला, क्या वीडियो बनाऊं क्या। और देखो देखो, और मैं ये डैशबोर्ड में जा रहा हूँ जरा एक सेकंड, तो ये देखो ये एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक, तो ये आपके पे स्ट्राइक भी आई है 3, और ये आई है आपने कोई है ना ICC वाला कोई वीडियो डाल दिया, तो उनको आपत्ति है कि कहीं आप पैसा ना कमा लें उनकी वीडियो से। यही तो चाहते हैं साले कि मेरा चैनल ही मोनेटाइज नहीं हो, चाहते ही नहीं है कुछ अच्छा हो मेरा। अरे कोई सा कभी कभी तो मेरे को कॉपी भी करना पड़ता है कि सारे वीडियो मैं ही बना दूं क्या, और कब होगा मेरा चैनल मोनेटाइज, पगला गया यार मैं तो। और ये देखो करते देखो करते। मैं ये कॉपीराइट पे नहीं, जनता को क्या, कॉपीराइट पे गया तो रिमूवल रिक्वेस्ट में तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, और कमेंट सेक्शन में जाए देखो ये आपके पे एक कोई रेलवे बुकिंग करके है, वो भी नहीं करता कमेंट, पहले उसी के कमेंट है गगन भाई, उसी के और किसी के नहीं है। आजकल तो उसने भी कमेंट करना बंद कर दिया, पता नहीं कहाँ की रेलवे ट्रेन में बैठ के निकल गया वो। और आपके जैसे देखो मैं कंटेंट में जाता हूँ एक सेकंड, तो आपका ये फिल्टर लगाया जाए, तो कॉपीराइट पे फिल्टर लगाते हैं आपका है ना, ये 2 पे कॉपीराइट क्लेम आया है ना, सलकनपुर वाला कोई वीडियो डाला था आपने उस पे है, डाला था कुछ दिन पहले। और जैसे मैं अभी आपके चैनल गगन भाई, यार आप मेरे हिसाब से तो आपको छोड़ देना चाहिए यूट्यूब। तो क्या करूँ मैं, और कोई काम धंधा ही नहीं है मेरे पास, कुछ तो करना पड़ेगा मेरे को, यही है आखिरी काम। तो गगन भाई ये आपका फोटो जो लगा है हंसता हुआ बड़ा प्यारा लग रहा है है ना, लेकिन इधर आप टेंशन में भी है कि हंस रहे हैं, आधी खुशी है आधी गम है, कभी ये मतलब आपने गम है। मैंने सुना ये जो लैपटॉप है आपका ये कितने में खरीदा था? 45,000 में। 45,000 आपने किस से? यूट्यूब के लिए लगाए थे, और ये एलेक्सा भी खरीदी आपने? ये एलेक्सा भी खरीदी मैंने, इससे वॉइस करूंगा, इस पे वीडियो, और आपने वीवो का फोन भी खरीदा? वीवो का फोन भी खरीदा, सब कुछ खरीदा, ट्राइपॉड भी खरीदने वाला था मैंने, कि यूट्यूब वाले तो कभी देंगे नहीं, पता नहीं चैनल का मोनेटाइज होगा। 6 साल में आपका कोई ग्रोथ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, लोग 6 साल में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, और मैं 6 साल में। तो आपका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है? क्या पता क्या चाहते, बताते भी तो नहीं है कमेंट्स में कि भाई कोई नई फरमाइश बता दो, इस पे बना दो। तो आप फाइनली जो आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके व्यूअर्स ज्यादा नहीं है, 8,000 लोगों ने देखा है आपको, तो आप उनसे क्या कहना चाहते? यही कहना चाहता हूँ कि भाई 8,000 तुमने देखे, 8,000 दूसरे से बोलो वो देखे, फिर 8,000 दूसरे से बोलो फिर देखे, ऐसे ऐसे क्या चेन बनती जाएगी और एक दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि कर दो इस गरीब का कुछ भला, कुछ तो कर दो,